ना होटल स्टाइल ना ढाबा स्टाइल, आज हम घर की स्टाइल में बनाएंगे आलू पालक की टेस्टी सब्जी। काफ़ी लोग के घर में पालक नहीं खाया जाता है और पालक बहुत ही हेल्दी होता है, तो मैं आज आपको ये बहुत ही बढ़िया और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे बच्चे और बड़े दो की जगह चार रोटी चट कर जाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पालक लिया है। पालक को मैं पानी से तीन चार बार धो लिया, उसके बाद मैं इसका पानी निकाल लिया और उसके बाद मैं इस तरह से पालक के पत्तों को कलेक्ट करेंगे और इसे इस तरह से फाइनली चॉप कर लेंगे। जैसे कि मैं बता रही हूँ, सब्जियों को काटना भी एक कला होता है। यदि आप सब्जियों को बराबर इवन साइज़ में कट करेंगे तो वे कुक अच्छे से होती हैं, जल्दी से होती हैं और साथ ही पकने के बाद में खूबसूरत भी लगती हैं, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और मैंने सभी पालक को इसी तरह से कट कट के तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे करीब एक पंच पालक लिया था, जिसे मैंने साफ करके इस तरह से कट करके बोल में भर लिया है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें दो टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे। ये आज हमारी जो सब्जी बनेगी काफ़ी चटपटी और तीखी बनेगी। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। जब जीरा तड़क जाएगा तब एक टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे और इसे हम यहाँ पर फ्लेवर आने तक पकाएंगे। तो पूरी सब्जी जब तक हमारी बनेगी फ्लेम बिल्कुल लो पर ही रहेगी, तभी सब्जी का रंगत और कलर आता है। लहसुन पक जाने के बाद में इसमें हम एक कप बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इसे भी हमें यहाँ पे लो फ्लेम पर ही हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेना है। तो इस तरह से इंडियन कुकिंग में जब भी सब्जियाँ पकाई जाती हैं तो लो फ्लेम पर ही वह बनती हैं। और आप देखिए, हमारा जो प्याज है हल्का सा ब्राउन हो चुका है, बस हमें इतना ही पकाना है। अब हम इसमें यहाँ पर एक टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये पेस्ट मैं हमेशा घर पे बना के रखती हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इससे सब्जी में चार चांद लग जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाकर इसमें डालिए और इसे भी अच्छे से हम पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालेंगे। पालक की सब्जी में हमेशा नमक कम डाला जाता है, तो जितना आप खाते हैं उसे थोड़ा कम डालें, सब्जी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हम यहाँ पे इन मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। तो इस तरह से मसाले तेल में अच्छे से भून जाएंगे तो सब्जी की रंगत बहुत ही बढ़िया आती है और सब्जी में आप कितना भी कम तेल डालें एंड में आपकी सब्जी बहुत ही अच्छा तेल छोड़ देती है। तीन आलू को मैंने यहाँ पे छील के इस तरह से कट कर लिया था, उन्हें मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है। अब हम इस सब्जी को जो बनाएंगे बिना पानी डाले बनाएंगे, यानी ये आलू जो है इसी तेल और मसाले में पकेंगे, तभी इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आलू को इस तरह से हमने स्प्रेड कर दिया है, मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक कर करीब 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख रहे हैं आलू हमारे थोड़े से पक गए हैं, लेकिन इसे बीच में 1 से 2 बार हमें इस तरह से चेक करना ज़रूरी है ताकि आलू जले ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी पानी का यूज़ नहीं किया है और कच्चे आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब हम वापस इसे एक बार हिला के ढक के वापस पकने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पे इसे हिलाएंगे और इसे चेक कर लेंगे कि आलू हमारा पका है या नहीं। अभी हमें यहाँ पे इसे करीब 90% तक ही पकाना है, तो चम्मच से कट करके देख लीजिए। यदि आलू इस तरह से कट हो जाता है तो यानी ये हमारा डन हो चुका है। अब हम इसे बाकी का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें ये पक जाएगा। 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए मैंने टमाटर डाल दिए हैं, आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर जनरली इस तरह से घर की सब्जियों में हमेशा कटी हुई सब्जियां ही डाली जाती हैं। और इस तरह से टमाटर भी हमने यहाँ पे इसमें मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसे भी ढक कर करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे, इससे टमाटर हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो आप इसे आप खोल लीजिए और उसके बाद में आप इसे भी चेक कर लीजिए। तो देखिए, टमाटर अच्छे से पक गया है और हमने कोई भी पानी का यूज़ नहीं किया था, फिर भी आप नीचे तेल देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें चमक आ रही है। तो लो फ्लेम पर कुकिंग करने का यही एक हमारा फ़ायदा होता है। अब मैं यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ ये जो पालक है वह डाल दूंगी और हम इसे हल्के से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पालक काफ़ी ज़्यादा है तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है कढ़ाई में। तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही ढक कर करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर वापस से छोड़ दीजिए। पालक बहुत ही अच्छे से और झटपट से पक जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, पालक में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो वह भी इसमें सूखने दीजिए। अब हम देखिए, ये पालक जो है काफ़ी अच्छे से गल चुका है, पक चुका है। अब हम इसे एक बार हिला लेंगे। अब आप यहाँ पे फ्लेम को हाई कर लीजिए ताकि पालक का मॉइस्चर सूख जाए और हमारी सब्जी बनेगी एकदम चमकदार, टेस्टी और डिलीशियस, जो देखने में तो खूबसूरत लगती है, खाने में और भी लाजवाब लगेगी और छोटे और बड़े इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे।
ये सब्जी मेरे घर में मेरे बच्चों की फेवरेट सब्जी आती है। जब भी वे इस तरह की सब्जी की डिमांड करते हैं, मैं भी बड़े मज़े से उनके लिए बनाती हूँ। और साथ ही मेथी भी उनकी फेवरेट है। यदि मेथी की सब्जी चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।